अभी फ्री फायर को 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं गाइस। इन्हीं 4 सालों में फ्री फायर ने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। मतलब 2017 में जो फ्री फायर था, आज 2021 में वो फ्री फायर नहीं है। फ्री फायर पूरी तरीके से कम्प्लीटली चेंज हो चुका है इन्हीं 4 सालों में। एंड अगर इन्हीं 4 सालों में फ्री फायर ने इतना कुछ इम्प्रूव किया है तो जस्ट सोचो कि 2030 में फ्री फायर कैसा होगा। मतलब फ्री फायर का क्या होगा 2030 में। अगर गाइस अभी के समय पर फ्री फायर जो 2017 में था उससे कम्प्लीटली अलग है, तो जस्ट एक बार सोचो कि अभी जो आने वाला टाइम है, फ्यूचर टाइम है 2030, उसमें कैसा होने वाला है। एंड उसी में गाइस मैं आप लोगों को कुछ ऐसे लॉजिक्स बताऊंगा जो एक्चुअली हो सकते हैं फ्यूचर में। एंड गाइस वो सुनकर आप लोग शॉक हो जाओगे। एंड मैं आप लोगों को ये सब नहीं बताऊंगा कि हेलीकॉप्टर आने वाला है, कुछ भी चीज आने वाला है, नॉर्मल चीजें नहीं बताऊंगा। मतलब ऐसे चीजें बताऊंगा जिसके बारे में आप लोगों ने कभी सोचे भी नहीं होंगे। एंड फ्री फायर में कुछ ऐसे आईडीज होते हैं जिनको आप लोग इंस्पेक्ट करके नहीं देख सकते। मतलब अगर आप लोग उनका यूआईडी सर्च करोगे तो वो आ जाएगा, बट जैसे आप लोग इंस्पेक्ट करके क्लिक करोगे तो वो गाइस ओपन ही नहीं होगा। तो क्या आपको पता है इसके पीछे का फैक्ट कि ये क्यों होता है एक्चुअली? ये बंदे को देखो, ये बंदा गाइस अभी बीमा शक्ति के ऊपर से जंप कर रहा है। मतलब जो बीमा शक्ति चिमनी होता है उससे जंप कर रहा है, लेकिन गाइस इस बंदे को एक भी डैमेज नहीं आया, 0 डैमेज। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप लोगों को इसके पीछे का मिस्ट्रेस फैक्ट पता है? एंड ये कोई भी ग्लिच नहीं है, इसे आप भी कर सकते हो। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर से कर देना, क्योंकि हम फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस अपने चैनल पर लाते रहते हैं। फैक्ट नंबर 7, फ्री फायर में आप लोगों को पता होगा कि 2 ही स्कैनर है। लाइक जो लूट आउट में आप लोग लेते हो गाइस वो स्कैनर है, एंड उसके बाद जो मैप में गाइस ड्रोन से आता है वो स्कैनर है, ठीक है? वो स्कैन करता है मतलब मैप को, एंड वो सिर्फ 2 ही अवेलेबल है। लेकिन गाइस अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि फ्री फायर में जो स्कैनर है वो 3 स्कैनर अवेलेबल है, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? मतलब आप लोग भी सोच रहे होंगे भाई क्या मजाक कर रहे हैं, 3 स्कैनर कहाँ से अवेलेबल है? तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, आप मतलब मैप के अंदर ही होता है ये, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा एग्जैक्टली। गाइस मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना, जो डेंजर जोन है गाइस, डेंजर जोन, जी हाँ, डेंजर जोन भी एक स्कैनर है। तो आप लोग बोलोगे भाई डेंजर जोन किस तरीके का स्कैनर हुआ? तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, डेंजर जोन जो है गाइस वो तभी निकलता है जब उसमें बंदे हो, ठीक है? हमेशा याद रखना डेंजर जोन वहीं पे गिरता है जहां पे गाइस एक से ज्यादा बंदे हो, ठीक है? कहीं पे भी गाइस डेंजर जोन ऐसे जगह पे कभी भी नहीं गिरता जहां पे बंदे ना हो, मतलब गाइस ऐसे हो ही नहीं सकता। एंड सो ये भी एक स्कैनर ही हुआ ना, जो कि बहुत सारे बंदे को पता तक नहीं था। फैक्ट नंबर 6, फ्री फायर में जो गाइस इवो गन स्किन है, ठीक है, अगर नॉर्मल गन स्किन तो बात ही छोड़ दो, जो गाइस इवो गन स्किन है अगर आप लोग उसको भी इक्विप करते हो, मतलब अगर आप लोग इवो गन स्किन को लेते हो एंड जब भी आप लोग बैग ओपन करते हो वहां पे आप लोग को नॉर्मल गन स्किन ही दिखाई देगा। मतलब मान के चलो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि MP40 का इवो गन स्किन मेरे पास है, लेकिन गाइस जब भी मैं बैग ओपन कर रहा हूँ तो उधर नॉर्मल गन स्किन दिखाई दे रहा है, ठीक है? लेकिन गाइस जो ये फ्री फायर वर्जन है, मतलब अभी हम लोग जो फ्री फायर वर्जन में खेल रहे हैं उसी में ये हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग गाइस फ्री फायर मैक्स वर्जन खेलोगे तो वहाँ पे आप लोग जब भी गाइस मतलब फ्री फायर का कोई भी इवो गन स्किन इक्विप करोगे एंड जब भी आप लोग बैग ओपन करोगे तो आप लोग बैग के अंदर भी गाइस आप लोग को इवो गन स्किन ही देखने के लिए मिलेगा। एंड ये काफी जल्दी गाइस आप लोगों को भी पता चल जाएगा, क्योंकि जब फ्री फायर मैक्स वर्जन आएगा तो गाइस आप लोगों को पता भी चल जाएगा। फैक्ट नंबर 5, यहाँ पे गाइस ये बंदा देख सकते हो कि बीमा शक्ति के चिमनी के ऊपर से जंप कर रहा है, लेकिन इसको 0 डैमेज आ रहे हैं। मतलब गाइस एक भी डैमेज ही नहीं आ रहा, सिंगल डैमेज तक नहीं आ रहा इस बंदे को, तो ऐसे कैसे हो सकता है? ये कोई भी ग्लिच नहीं है, ये अभी के टाइम का है, ठीक है? अभी के टाइम का स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, ये कर सकते हो आप लोग अपने फ्रेंड के मदद से। आप लोगों को गाइस पता होगा कि फ्रेंड के ऊपर से आप लोग जंप जब करते हो तो एक मतलब आ जाता है नीचे, ठीक है? एंड गाइस उससे गाइस अगर आप लोग जैसे ही जंप करोगे फ्रेंड के हेल्प से, देन गाइस आप लोग जितने भी हाइट के ऊपर से जंप करो आप लोगों को डैमेज ही नहीं आएगा, कुछ इस तरह का, ठीक है? आप लोगों को बस आपका फ्रेंड का हेल्प चाहिए होगा, आपके फ्रेंड के ऊपर आप लोग चढ़ना होगा, देन गाइस वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन उसके बाद आप लोग जितने भी हाइट के ऊपर से जंप करोगे आप लोगों को सिंगल डैमेज भी नहीं आएगा। फैक्ट नंबर 4, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि फ्री फायर में कौन सा ऐसा गन है जिस गन में गाइस मतलब सबसे ज्यादा बुलेट कलेक्ट होता है एक टाइम पे, अगर आप लोग एक रीलोड करोगे तो किस गन में गाइस सबसे ज्यादा बुलेट कलेक्ट होता है, मतलब किस गन में सबसे ज्यादा बुलेट एक टाइम पे शो होता है? तो ऑब्वियसली आप लोगों की भाई M249, जो कि मतलब मशीन गन है, आप लोग जानते होंगे। लेकिन गाइस अगर मैं आप लोगों को बोलूं आप बिल्कुल ही गलत हो, ये M249 नहीं है, ये गन है गाइस प्लाज्मा गन। जी हां, प्लाज्मा गन आप लोग जानते होंगे, जो प्लाज्मा गन है उसमें 150 बुलेट रहते हैं एक टाइम पे। एंड गाइस जो M249 है उसमें 100 बुलेट्स रहते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो मतलब जो सबसे ज्यादा बुलेट कलेक्ट होता है एक टाइम पे वो है प्लाज्मा गन। फैक्ट नंबर 3, फ्री फायर में गाइस कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनका जो यूआईडी होता है वो 8 डिजिट का होता है, ठीक है? मतलब बहुत ऐसे कम बंदे आप लोगों को मिलेंगे, बहुत कम
बंदे मिलेंगे जो रेयर बंदे होते हैं, मतलब बहुत जैसे रेयर बंदे होते हैं, उनका गाइस जो यूआईडी होता है वो 8 डिजिट का होता है। एंड अभी के समय पर अगर आप लोग कोई भी यूआईडी क्रिएट करते हो तो गाइस वो 10 डिजिट का बनेगा, ठीक है, 10 डिजिट यूआईडी बनेगा। तो क्या आपको पता है ये जो 8 डिजिट यूआईडी है ये क्या चीज़ है मतलब एक्चुअली में? तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ, फ्री फायर में अभी तक 3 डिजिट मतलब तो 3 डिजिट नहीं सॉरी 3 तरह के गाइस मतलब डिजिट का यूआईडी है, ठीक है, जो कि 8 डिजिट यूआईडी है, 9 डिजिट यूआईडी है एंड 10 डिजिट यूआईडी है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, जो 8 डिजिट यूआईडी है ना वो फर्स्ट 1 लाख प्लेयर्स ही बने थे, मतलब जो गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो फर्स्ट 1 लाख मतलब जो गाइस फर्स्ट 1 लाख बंदे यूआईडी बनाया था मतलब अकाउंट बनाया था फ्री फायर में, ठीक है, तो उन्हीं का ही यूआईडी गाइस 8 डिजिट में बना है। एंड बाकी गाइस जितना भी 1 लाख से अगर पार है मतलब 1 लाख 1 जो कि मतलब यूआईडी अगर अकाउंट भी हो तो वो भी 9 डिजिट यूआईडी ही बना है, ठीक है। खुद गाइस यहाँ तक कि मेरा भी मतलब जो मेरा अकाउंट है वो भी 9 डिजिट यूआईडी का ही है। तो जिसका गाइस अकाउंट आप लोगों को 8 डिजिट यूआईडी का दिखे ना वो 1 लाख अकाउंट क्रिएट मतलब जो 1 लाख अकाउंट बना था फर्स्ट टाइम पे, तो उन्हीं के बीच में गाइस उनका भी अकाउंट बन गया, समझ रहे हो ना मेरी बात। फैक्ट नंबर 2 गाइस, कभी कभी अगर आप लोग किसी अदर सर्वर का बंदे का गाइस यूआईडी सर्च करोगे हमारे इंडियन सर्वर में, ठीक है, तो गाइस वो यूआईडी ओपन नहीं होता है, मतलब अगर आप लोग गाइस ऐसे सर्च करोगे तो वो नाम वगैरह सब कुछ आएगा, ठीक है, लेकिन गाइस वो मतलब इंस्पेक्टेड नहीं होगा। लेकिन ये पहले होता था, पहले अगर आप लोग मान के चलो आज से मतलब 1 साल पहले अगर आप लोग ऐसे करते थे किसी अदर सर्वर का बंदे का भी यूआईडी इंडिया में सर्च करे हुए तो आप लोग इंस्पेक्ट भी कर सकते उस आईडी को, लेकिन भले ही गाइस वो ब्रॉन्ज पे दिखाए, ठीक है, उनका गाइस एनालिटिक्स वगैरह प्रोफाइल वगैरह सही ना दिखाए, पुराना ही दिखाए, लेकिन इंस्पेक्ट तो कर सकते थे। लेकिन अभी के समय पर अगर आप लोग ऐसा करोगे तो इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि आप लोग सिर्फ आप लोगों को ऐसे देखने के लिए मिलेगा कि क्या नाम है, ठीक है, बट आप लोग इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो क्या आप लोग को पता है कि क्यों आप लोग अभी के समय पर इंस्पेक्ट नहीं कर सकते ये चीज़ को? वो इसीलिए होता है क्योंकि गाइस हर एक कंट्री में ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में गाइस एक सर्वर अभी बन चुका है। पहले क्या था, सिंगापुर सर्वर में गाइस इंडिया भी था, ठीक है, एंड मतलब बोल सकते हो कि बहुत सारे और भी अभी के समय पे बांग्लादेश को ले लो जो कि बांग्लादेश भी गाइस सिंगापुर सर्वर में था, ठीक है, तो ऐसे गाइस बहुत सारे मतलब एक ही सर्वर में थे बहुत सारे कंट्री पहले, बट अभी के समय पर क्या हुआ है कि आप लोग को हर एक ऑलमोस्ट हर एक कंट्री का एक एक सर्वर दिया गया है, तो इसी वजह से गाइस यहाँ पे मतलब सर्वर पे लोड ना पड़ने की वजह से उनका डिटेल जो है एक ही सर्वर में रहना देना ये सही लगता है गरीना को, ठीक है, तो इसी वजह से गाइस वो उनका जो मतलब एक डिटेल्स है वो एक सर्वर से लेके दूसरे सर्वर को ट्रांसफर नहीं करना चाहते। फाइनली आता है मेरा फैक्ट नंबर 1 के ऊपर, जो गाइस फ्री फायर में अभी के समय पर 4 साल हो चुका है फ्री फायर को, एंड 4 सालों में फ्री फायर ने बहुत कुछ इंप्रूव कर लिया। लेकिन गाइस क्या आपको पता है कि फ्री फायर फ्यूचर में कैसा होने वाला है? ऑलमोस्ट गाइस ये तो मैं भी नहीं जानता कैसा होने वाला है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ लॉजिक्स बता सकता हूँ, कुछ लॉजिक्स के बेसिस पे आप लोगों को डिफाइन कर सकते हो कि भाई फ्री फायर जो फ्यूचर में वो किस तरीके का होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर सकता है यहाँ पे गरीना, जो कि सबसे बड़ा मेजर चेंजेस हो सकता है ये है कि क्या है सर्वर, जो कि मतलब अभी आप लोगों को पता होगा इंडिया सर्वर है, ठीक है, लेकिन इंडिया इतना बड़ा है कि भाई आप लोगों को हर वक्त मतलब कभी कभी गेम पे आप लोगों को लैग देखने के लिए मिलता है, एंड उसके साथ ग्लिचेस ऑन ऑल पिंग हाई वगैरह सब कुछ आप लोगों को गेम में देखने के लिए मिलता ही है, ठीक है, तो क्योंकि गाइस इंडिया में बहुत सारे ऑलरेडी यूजर है एंड अब इंडिया में सिर्फ एक ही सर्वर है, तो यहाँ पे गाइस गरीना क्या कर सकता है कि इंडिया में 4 सर्वर बना सकता है। कैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक नॉर्थ में मतलब हर एक डायरेक्शन में गाइस एक सर्वर बना सकते हैं, लाइक मतलब 4 डायरेक्शन होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, तो नॉर्थ में एक सर्वर बना दिया, ठीक है, एंड उसके बाद मतलब साउथ में एक सर्वर बना दिया, ईस्ट में एक सर्वर बना दिया, वेस्ट में एक सर्वर बना दिया, तो इससे क्या होगा कि गाइस जो ग्लिचेस वगैरह होते हैं जो पिंग वगैरह होते हैं वो ना के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया में ही एक कंट्री में ही, यानी ये मैं सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हर एक कंट्री के लिए बोल रहा हूँ, मतलब मेन सर्वर तो रहेगा इंडिया सर्वर, लेकिन जो मतलब 4 डायरेक्शन में जो सर्वर रहेंगे वो गाइस मिनी सर्वर रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मतलब जो डायरेक्शन में रहेगा उनको प्लेयर्स को कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह ना आए गेम खेलते वक्त, ठीक है, तो ये मैं लॉजिक के हिसाब से आप लोगों को बताता हूँ। अगर गरीना ऐसे करेगा तो गरीना को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा एंड प्लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश भी रहेगा, एंड इससे तो गाइस आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम्स गेम में देखने के लिए नहीं मिलेगा, लाइक ग्लिचेस ऑन ऑल पिंग हाई वगैरह कुछ भी गाइस आप लोगों को फेक डैमेज वगैरह भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। देन जो गाइस सेकंड पॉइंट है वो ये हो सकता है कि जो मैप है वो गाइस बड़ा हो सकता है, ठीक है, जो बरमुडा मैप है एंड परगटरी मैप है ये दोनों मैप को लगाकर मतलब गाइस इन दोनों मैप जितना बड़ा है ना मतलब एक ही मैप ऐसा बन सकता है, ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बरमुडा मैप इतना बड़ा हो सकता है फ्यूचर में, मान के चलो जो गाइस जितना मैप परगटरी बड़ा है उससे 2 गुना कर दो, ठीक है, परगटरी मैप को अगर 2 बार कर दोगे आप लोग कितना बड़ा होगा, तो उतना बड़ा गाइस एक एक मैप हो
सकता है फ्यूचर में, क्योंकि ऑब्वियसली फ्यूचर में गाइस फ्री फायर को और भी ज्यादा डाउनलोड्स हो जाएंगे, और भी ज्यादा यूजर्स हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली उन यूजर्स का डिमांड भी बढ़ ही जाएगा। एंड यहाँ पे गाइस यही होता है कि फ्री फायर में बहुत सारे और भी चेंजेस हो सकते हैं फ्यूचर में, जिसके बारे में आप लोग सोचे भी नहीं होंगे। अभी आप लोग को पता होगा कि पैसिव कैरेक्टर स्किल है एंड एक्टिव कैरेक्टर स्किल है, ठीक है। लेकिन गाइस फ्यूचर में ऐसा भी आ सकता है इन दोनों को छोड़कर, मतलब ऐसा भी कैरेक्टर आ सकता है जिनका जो एबिलिटी होता है वो नेक्स्ट लेवल हो, ठीक है। तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, 2030 की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब अभी तो 2-3 सालों में फ्री फायर बहुत कुछ इंप्रूव करने वाला है। एंड ये सारे गाइस मैं आप लोग लॉजिक के हिसाब से बताया हूँ, ऐसा नहीं कि हाँ यही चीज़ आएगा ऐसा ही होगा, मैं आप लोग लॉजिक के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कोई भी मत समझना कि भाई हाँ मैं पहले से जानता हूँ, क्योंकि फ्यूचर तो कोई भी नहीं जानता। तो ऐसा सीन है गाइस, मैं आप लोग लॉजिक के हिसाब से बता रहा हूँ। जो एबिलिटी की बात रहा, एबिलिटी हर एक चीज़ में आ सकता है, लाइक मिली वेपन में भी एबिलिटी आ सकता है गाइस, ग्लूअल वगैरह में भी एबिलिटी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि कार में भी आपको पता होगा कि एबिलिटी आ गया, तो ऑब्वियसली हर एक चीज में, ठीक है, हर एक मिली वेपन वगैरह कार वगैरह हर एक चीज में आप लोगों को फ्यूचर में एबिलिटी देखने के लिए मिलेगा, ये तो मैं कंफर्म हूँ, क्योंकि फ्री फायर धीरे धीरे करके चेंजेस लाता ही रहेगा गेम पे। एंड हाँ, आपको क्या लगता है गाइस फ्यूचर में क्या क्या मेजर चेंजेस होने वाला है, ये मेरे को हर एक बंदा कॉमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों का ओपिनियन क्या है इस चीज को लेकर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्त के साथ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड लव यू।